तो ये हम सबको पता है कि इगोस्ट मैच और AIFF के बीच में बहुत ही ज़्यादा तनातनी का माहौल चल रहा है, और इसी तनातनी के माहौल के बीच में कल रात में एक रिपोर्ट निकल कर आई है जहां पर यह बताया गया है कि इगोस्ट मैच के कहने पर एक एस्ट्रोलॉजर को 12 से 15 लाख रुपए का अमाउंट पे किया आपके AIFF ने, और उस एस्ट्रोलॉजर से ये पूछा गया कि कौन से प्लेयर्स अगर हम टीम में सिलेक्ट करते हैं तो वो टीम को हेल्प कर पाएंगे, और ये सब वाकया है पिछले साल के एशियन कप क्वालिफायर्स के दौरान का। अब एक ऐसा मैनेजर जो कि चीख चीख कर बोल रहा है कि मुझे 4 हफ्ते का कैंप चाहिए है टीम को बेहतर परफॉर्म करवाने के लिए, बेहतर प्रिपरेशन कराने के लिए, क्या आपको लगता है वाकई में वो एक ऐसी अंधविश्वास वाली चीज पर भरोसा करके 12 से 15 लाख इन्वेस्ट करने बोलेगा जब उसको पता है इस पैसे से ट्रेनिंग फैसिलिटीज और साथ ही साथ आपके टर्फ जो है वो इंप्रूव किए जा सकते हैं। बट मुझे नहीं पता कि ये सीन कहां से निकल कर आया है और क्या इसमें AIFF के लोगों का ही इन्वॉल्वमेंट है इगोस्ट मैच को टीम इंडिया की कमान से हटाने के लिए और उनकी जगह पर एक नया कोच या फिर एक कह सकते हो आप एक माउथपीस जो आपका पपेट है वो अपॉइंट करने के लिए। लेकिन आपके हिसाब से आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो का वो मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में, और ऐसे और शॉर्ट्स के लिए मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब।